हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं हो गई 9 दिन की हो गई मैं पूरी। आज अच्छा बार है, शुक्रवार है, तो मैं आज अपने बेटे को नहीं लाऊंगी, मैं खुद भी नहाऊंगी, कि मैं अपने बेटे को बिल्कुल भी नहीं ला नहीं पाई अभी तक, क्योंकि उसके इन्फेक्शन हो रहा था ना, इस वजह से डॉक्टर वगैरह ने मना किए थे कि उसके नाल में पानी वगैरह जा सकता है, इसलिए हमने नहलाया नहीं उसका। तो आज हम इसको नहलाएंगे और वो सफाई करेंगे घर की सारे, क्योंकि दीपावली भी आ गई, थोड़ी बहुत नहाएंगे धोएंगे, फिर अच्छे से सफाई बजाएगी घर की। फिर सोया पूरा ब्लॉग बना लेना, पूरा ब्लॉग देखना। मैं भी अजवाइन के लड्डू खा रही हूँ। अभी सुबह का 8 बजे मेरी कन्या स्कूल गई है, मैं कल स्कूल गई है। बाबू मेरा सो रहा है, कन्निका सो रही है, जी कपड़ा धो रही है, और मैं जवान क्राउड खा रही अभी। पूरा ब्लॉग देख लेना, मैं आगे बताऊंगी आप सबको। तो ये मेरा बाबू सो रहा है अभी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं नाली धोली तैयार हो गई। मैंने आज अपने बेटे को नहला दी, मैं पूरे 9 दिन की हो गई। आज मेरा बेटा 9 दिन का हो गया, तो उसको भी मैंने नहला दिया। और मैंने बाल सूख रहे, थोड़ी देर बाल सुखाऊंगी, फिर उसके बाद में मैं आज शुक्रवार अच्छा बार भी है, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं चूड़ा पहनूंगी, दूसरा वाला नया वाला, इसलिए आप बने रहना पूरी वीडियो के साथ। और ब्लॉग कैसे लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मेरे भी टाइम पास हो जाती है, मैं थोड़ा थोड़ा ब्लॉग वगैरह डाल देती हूँ यूट्यूब पर। तो ब्लॉग वगैरह बनाने से थोड़ी थोड़ी कभी कभी मैं बना लेती हूँ, तो उससे मेरे फिर टाइम पास हो जाती है, मैं अकेली बोर हो जाती हूँ थोड़ी, तो मैं कुछ थोड़ी थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ। अभी मेरा बच्चा सो रहा है ना, कि बिल्कुल सो गए शांत हो, तो बेचारा उसे तो पहली बार नहीं लाया आज मैंने, पहली बार तो वो तो बिल्कुल शांत हो गया, तो वो तो बिल्कुल शांत हो गया सो रहा है। तो मैं अकेली बैठी थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, तो यहाँ बैठी बैठी मैं भी दिखा रहा हूँ कमरे से मेरे बाबू कैसे सो रहा है शांति से। तो इसको मैंने नहला दिया, जो ये बिल्कुल शांत सो रहा है बिल्कुल, देखो 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 देखो, तो ये बिल्कुल शांत सो रहा है, इसे सर्दी लग गई है बेचारे को, पहली बार नहलाया जो। तो मैं आज 8-9 दिन की हो गई, तो वैसे मैं तो सभी बोल रही थी, मेरी मम्मी वगैरह जो भी बोल रही थी कि नया चूड़ा पहन लेना, कोई डर वगैरह नहीं रहेगा, वैसे कुछ भी अकेला वगैरह रह भी जाए तो वैसे डर वगैरह नहीं रहता, इसलिए मेरे पास ही नया चूड़ा रखा हुआ है, तो मैं इसको आज इसको पहनूंगी। तो आज मैं चूड़े वाली रस्म खुद ही कोई करना पड़ रहा है, चूड़े वाली रस्म को भी क्या करे, अकेले नहीं रहेंगे, पहले गाँव में जाने का प्लान था लेकिन अचानक से डिलीवरी हो गई, इसलिए तो ये चूड़े वाली रस्म मैं खुद ही कर लूंगी, मैं खुद ही पहनने वाली हूँ। तो काम में जब भी जाऊंगी ना, मैं अपने बेटे की पूरी रस्म करूंगी, जो भी रीति रिवाज पुआ पूजन वगैरह जो भी होगी सब करूंगी। तो अभी के लिए तो जो रस्म है वो मैं खुद ही कर रही हूँ। तो आज मैं 9 दिन के हो गए, तो मैं चूड़ा पहन लेती हूँ, क्या करूँ, मेरे को काम कुछ करना भी पड़ता है, रसोई वगैरह भी जाना पड़ता है, इसलिए कभी कभी गैस वगैरह चलाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए दीपावली भी आ रही है, थोड़ी बहुत अचनाई हो जाएगी शरीर की, थोड़ी बहुत शरीर घर भी थोड़ा अच्छा ही हो जाएगा, तो यह है, इसलिए मैं ये चूड़ा पहन रही हूँ। और फिर कल परसों दिवाली और आ रही है, तो इसलिए मेरी मम्मी ने बोला कि आज शुक्रवार के दिन अच्छा बार है, तो ये चूड़ा पहन ले रहा, तो इसलिए मैं चूड़ा पहन रही हूँ आज। तो देख के बताना आप सब मेरा ब्लॉग,
और आपके कौन कौन सी रस्म होती है आप जरूर बताना। और आप सब कमेंट कर देता, आपकी मम्मी को बुला ले, मेरी मम्मी आएगी दीपावली बाद में, क्योंकि उनके पास भैंस है तो उसको पीछे से देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए सबकी मजबूरी होती है, क्योंकि काम होता है तो इसलिए, नहीं तो कौन नहीं आता अपने बच्चों को संभालने के, सब माँ बाप आ जाते हैं, लेकिन अब मैं भैंस की वजह से नहीं आ पा रही हूँ इसलिए, तो वो भी आ जाएगी बहुत जल्द, टाइम है सब निकल जाता है, कोई बात आज 9 दिन की हो गई, कल महीने की हो जाऊंगी, ऐसा कोई नहीं है। तो ये है, सब काम हो रहा है, हो जाएगा, टाइम है सब निकल जाती है। मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ, मैं और कुछ टाइम पास अपने यूट्यूब से टाइम पास थोड़ी हो जाती है मेरी, और टाइम निकल जाता है सब। तो ये है, मैं चूड़ा पहन के भी दिखाऊंगी। तो ये चूड़ा है जो मैंने लाल सूट से खरीदा है, लाल सूट ही खरीदा था शायद, पता नहीं मुझे रेट भूल गई, लेकिन ये मेरे पास नया है, मैंने बिल्कुल भी नहीं पहना, इसलिए मैं इसी के पहन रही हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले पहना नहीं था, तो इसी के पहन रही हूँ। तो अगर और आप सभी का प्यार सपोर्ट बनाए गए, आप बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे दीदी ऐसा ख्याल रखा करो, ऐसा किया करो, ऐसी मुझे बहुत सी बहनें हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे बताने के लिए थैंक यू सभी का तहे दिल से। तो ये चूड़ा मैंने पहन लिया, जो अभी तक मेरी करवा चौथ की थोड़ी थोड़ी मेहंदी भी लगी हुई है, मैं अकेली वगैरह रहती हूँ तो कोई परेशान नहीं रहेगी ज़्यादा, अगर ये बता दें। दिवाली आ रही है, हैप्पी दिवाली सभी को एडवांस में। तो फाइनली मेरे लिए खाना बन के रेडी होके आ गया, तो मैं खाना खा रही हूँ, तो मैं आप सबको बता रही हूँ मैं खाने में क्या क्या खा रही हूँ। अब पहले मैं दलिया सिर्फ दूध पीती थी मैं 3 4 दिन तक, फिर उसके बाद मैं दलिया खाती थी, अब मैं रोटी भी खाने लग गई हूँ, तो मेरी अपनी रोटी दिखाऊंगी। देखो ये मेरी सब्जी, ये मेरी सब्जी है, ये गोभी की आलू की सब्जी है, ये मेरी रोटी है, ये रोटी है मेरी, जो घी डाल के बनाते हैं ना वो वाली रोटी बनाई है। फाइनली मेरी रोटी बन के रेडी होके आ गई, तो मैं अभी रोटी खा लेती हूँ, मैं पहले नहाने चली गई थी तो इसलिए। ओके थैंक यू।